आज की इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं IFCI स्टॉक के बारे में, जहां हमने देखा कि इस स्टॉक का रिजल्ट कल आया और रिजल्ट अच्छा नहीं है, जिसमें कि इनकम, रेवेन्यू, EPS घटते हुए दिखा है, जिसके कारण आज के दिन इस स्टॉक के अंदर 5% का जो है गिरावट देखने को मिली है। तो क्या आपने इस स्टॉक को पहले से ही होल्ड कर रखा है या फिर होल्ड करने की सोच रहे हैं, तो इस एपिसोड में लास्ट तक जरूर बने रहें। हम इस स्टॉक को देखते हैं जहां फाइनेंशियल की पॉइंट से ये स्टॉक बहुत ही घटिया लगता है, वहीं इस स्टॉक के अंदर अगर आप होल्डिंग पैटर्न्स को देखेंगे तो वो बहुत ही उम्दा दिखता है। तो इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप किस पैरामीटर पे किसी भी स्टॉक को चूज करते हैं ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने के लिए, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। IFCI स्टॉक, जिसके अंदर होल्डिंग पैटर्न तो बहुत शानदार है, जहां हमने देखा कि प्रमोटरों की होल्डिंग लगभग 3% के आसपास पिछले 2-3 क्वार्टर के अंदर बढ़ते हुए दिखा है। प्रमोटर की होल्डिंग 61% के आसपास है, 3% की होल्डिंग फॉरेन इन्वेस्टर की है और 10% के आसपास की होल्डिंग डोमेस्टिक इन्वेस्टर की है। वहीं अगर फाइनेंशियल की पॉइंट से देखें तो कंपनी का जो है ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और जो सेल्स है वो बहुत ही बदतर है। कंपनी फाइनेंशियल की पॉइंट से बहुत ही घटिया कंपनी दिखती है, जहां इस कंपनी के अंदर 52 वीक लो 5.5 रुपए के आसपास था, वही अभी 52 वीक है 16 रुपए के आसपास का है, जहां अभी ये 14 रुपए के आसपास ट्रेड होते हुए दिख रहा है। तो मैं चाहूंगा कि इस स्टॉक के अंदर ऐसा गलती नहीं करना है कि आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दे और ग्रीड में रहे कि आने वाले अगले कुछ महीने में ये स्टॉक 30-40 हो जाएगा। मैं इस चीज को नहीं काट रहा हूं कि ये 14 का स्टॉक 20-25 हो सकता है, लेकिन जो रिस्क एप्टेटाइट है उसको समझे और बहुत ही कम, यानी जितना भी आपके पास कैपेसिटी है, जितना भी पोर्टफोलियो का होल्डिंग है, उस अमाउंट का मुश्किल 2% से ज्यादा इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कभी भी इस ग्रीड में नहीं फंसना है। साथ ही IPO की इस बरसात में हमने देखा है कि हर IPO बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए दिखा है, चाहे वो लिस्टिंग गेन नहीं दिखा रहा हो GMP में, उसके बाद भी उस IPO ने लिस्टिंग के बाद बहुत ही शानदार गेन दिया है। तो किसी भी IPO में अप्लाई करने के लिए उसके फंडामेंटल, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और उसके क्या GMP है जानना बहुत ही जरूरी होता है। सारे IPO के अपडेट्स को एक जगह पाने के लिए हमारे दूसरे चैनल IPO नीति को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि सबसे पहले सारा नोटिफिकेशन IPO रिलेटेड आपको एक ही जगह मिलते रहे। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में।